रहा है। जाओ यार, तुम्हारे सामान पे अटैक हो। वैसे आप ये जनाब हो गए तैयार, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। वेलकम बैक टू डेजी की दुनिया। सॉरी बहुत गुस्सा हुआ है। तो अभी आए हुए इस घर पे, यहाँ पर है रीनी, दर है बड़ी अम्मी। आज है बहुत खास, हमारे घर में आ रही है बारात आ रही है आज। किसकी? असलम की नहीं, तो मतलब जो हमारी ननन की बेटी की शादी है उसकी बारात आज यहीं पे होल्ड करेगी, तो यहाँ पे सारा तैयारी वारी हो रहा है। तो सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए, आज ही शादी भी है, तो अभी बारात वगैरह आएगा। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। जो भी मुसलमान मतलब हम लोग का जिस तरह शादी वादी होता है, सारा चीज़ आपको शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ पर बड़ी बीवी खड़ी है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अमरूद खाओ, मुझे ठंडा अमरूद खाओ। हाँ, वैसे हमको ठंडी मार दिया अभी अमरूद बाबा। चलिए फिर अल्लाह ने जो भी अभी नाश्ता वगैरह कराना सारा यहाँ पे पैक होके आ गया है सब कुछ। तो ये सब नाश्ते का सारा सामान, सोया हुआ है नींद में एकदम। तो बेटू अभी सोया हुआ है और चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर में भी सारा इंतज़ाम हो गया बैठने वगैरह का, उसके बाद जो नाश्ता वगैरह होगा वो सब के लिए थोड़ा बेडिंग वेडिंग भी कर दिया गया, क्योंकि अभी आएंगे तो वो लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। तो सारा चीज़ें बिल्कुल रेडी, ये सब रूम में सारा इंतजाम किया गया बराती लोग के लिए जो अभी आएंगे। सारे लोग रुकेंगे तो ऊपर में जितना है सारे जगह पेंटिंग वगैरह कर दिया गया कि आराम से वो लोग रहे, फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद यहाँ से रेडी होंगे फिर निकलेंगे वो लोग। जाओ यार, तुम्हारे सामान पे अटैक हो रहा है बेटा, यहाँ पे आ गई लीजा अमीमा, सब रेडी हो, लहंगा वहंगा पहन के जाओ सब, बेटा को जाने दो बेटा, अब एंट्री हो। तो बराती लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मैं और इन यहाँ पे नाश्ता कर रहे। तो नाश्ता में भी काफ़ी सारा आइटम था, पनीर की यहाँ पे दो तरह के पनीर भी था, मिक्स वेज, रसगुल्ला, पूड़ी, सारी चीज़ नाश्ते में था। तो अभी चलिए नाश्ता कर लेते हैं। जितने भी बराती आए थे सबका नाश्ता वगैरह हो गया, सब रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे अभी हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। चलिए फिर नाश्ता वास्ता करते हैं। कुछ देखने में कुछ नया लगा, कद्दू का हलवा, कद्दू का हलवा है ना, टेस्टी भी है। बढ़िया मिठाई इतना सारा कौन खाएगा, सारा रिटर्न जाएगा। गुलाब जामुन मंगाए हैं जान की, बहुत टेस्टी है। हाँ टेस्टी है, ये कुछ डिफरेंट है। अम्मी नहीं गई थी और अभी बस रेडी वेडी होते हैं, उसके बाद हम लोग भी निकलते हैं। बरात भी निकलेगी, उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे आए हम, रेडी होने के लिए वक्त हो गया है। पीछे ये जनाब आ गए हैं। तुम क्यों आए यहाँ पे टुकलू? अब्बू को ले जाके दिया दूध, अब बोल रहा है पिलाने के लिए। मोबाइल भी साथ में, ऐसे दीजिए तो ऐसे दीजिए ना, पानी के छींटे वाले जरूरी। यहाँ पे ये जनाब हो गए तैयार, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। पहनना नहीं जा रहे थे वाइट, कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये थोड़ा पतला है। नहीं नहीं, ठंड नहीं लगेगी। वो ब्लेजर आप क्या सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक प्रॉब्लम सब आया, बेटी को भी अब लेके जाइए, वहाँ रेडी हो रहे हैं बराती सब। अच्छा बराती लोग लेके आए होंगे, समझे, गाँव का ले रहे होंगे इसीलिए। को कैसे समझाएगी क्या है, इसको बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। फोटो आसमान में चला गया, पूरा रिकॉर्ड करेगा, फोटो लेगा, ठीक है। चलो, 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 उसको लीजिए ना बेचैन आत्मा को। आजा बेटा फोटो लेंगे। बेटू तैयार अभी हुआ कहाँ है, छोड़ दीजिए, जाइए आप इसको छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे बेटू कर दिया था पॉटी, तो अभी आंसू वही उसको जूता वगैरह फिर से पहना रहे हैं। तैयार होकर चले गए हैं, वक्त हो गया है, एक बाबू को लेके गए हैं, अब जाते हैं अम्मी को जल्दी से तैयार करते हैं, उसके बाद रेडी हो गए, बहुत वक्त हो जाएगा, फिर नमाज भी पढ़ना है। अम्मी पिन लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं और फिर पिन नहीं लगाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ शादी वाले घर पे, ठीक है। और कुछ भी सूट नहीं किए, ना रेडी होने का, ना फुल मतलब जो भी पहने वहने थे, कुछ भी सूट नहीं किए, क्योंकि इतना हड़बड़ हो गया था, एक पहले ही बच चुका था। उसके बाद दो बजे तक ये आंसू बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगे, जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं तो निकाह ही नहीं देख पाएंगे। जब निकाह ही नहीं देख पाओगे तो शादी में जाने का क्या मतलब है। तो इस चक्कर में मतलब कुछ भी ब्लॉग नहीं बना, डायरेक्ट यहाँ पहुँचे तो थोड़ा मोड़ा सूट किया और थोड़ा मोड़ा आंसू के साथ झगड़ा भी हो गया मेरा, क्योंकि हड़बड़ हड़बड़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे गुस्सा भी आ गया था। फिर उसके बाद फिर हम लोग शादी में पहुँच गए, इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। अभी बस हम लोग यहाँ पे सारे लोग पहुँच गए, सारी हमारी गोतनी वगैरह हैं जो हम लोग मोहल्ले में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है निकाह का स्टेज, यहाँ बेटू का तो बहुत ज़्यादा मस्ती चल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
मैं सीफत परवीन को आपकी निकाह में देता हूँ, क्या आपने कबूल किया? मैं कबूल हूँ। तो यहाँ पे बाबू की नॉन स्टॉप मस्ती चल रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ, मतलब जो देख रहा है ना सारा कुछ, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ से अब बिल्कुल नहीं डरता है, बल्कि ज़्यादा इंजॉय ही करता है। पहले थोड़ा डर जाता था मगर अब बिल्कुल ही डरता है। और हाँ, हम लोग जब आए तो उसके एक घंटे बाद निकाह हुई है, मतलब कि आंसू इतना हड़बड़ हड़बड़ करके हम लोग को लेके आए, और निकाह भी इतना लेट हुआ, मतलब 3 बज गया था, 2 बजे हम लोग पहुँचे, 3 बजे निकाह हुआ था। तो अब तो मतलब हम बोल रहे थे कि निकाह लेट होगा, पर आंसू क्या बिल्कुल पंचुअल, मतलब निकलना है तो निकलना, ये वाला जो इस वजह से हम लोग का सब कुछ गड़बड़ वड़ इन्हीं के साथ। तो और इन्हीं तो और भी गुस्सा है, सारा रेडी हो गया, उसका झुमका वो पहन ही नहीं। और यहाँ पे देखिए सारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ तैयार है, हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और यहाँ पर है असलम, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग असलम को बोल रहे थे कि असलम सर्व करके ला दीजिए, मगर वो कितना प्लेट बना के लाते हैं ना, तो इसलिए हम लोग अम्मी को यहाँ पे बिठा दिए और असलम को बोले कि अम्मी का प्लेट आप बना लीजिएगा, हम लोग अपना प्लेट बना लेंगे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं दूल्हे राजा, तो अभी आराम से इनका निकाह विकाह हो गया, तो आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और बस अब खाना वाना खाते हैं। और ये है हमारी छोटी फूफी, मतलब अब्बू की बड़ी बहन, मतलब अब्बू से ये बड़ी थी, तो वो भी अभी खाने के लिए खड़ी हुई थी, परेशान हो रही थी कैसे ले, तो वही असलम बोले कि लाई मैं ला दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, मज़ा आ गया, चिकन टिक्का, चिकन फ्राई, उसके बाद चिकन कोरमा, मटन कोरमा, नान, बहुत सारी चीज़ें, डिज़र्ट में भी बहुत कुछ था, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैंने सोचा कि मतलब सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर ट्राई करूँगी, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी अभी ले ली है, और बिरयानी वगैरह बाद में लेंगे, तो अभी जो भी ड्राई आइटम था वो ले लिया और साथ में नान ले लिया और रायता सलाद लेके यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे बैठ गए। और भीड़ मत पूछिए, बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम लोग सारे लोग यहाँ पे अभी खाना इन्जॉय कर रहे हैं, तो खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, जो बहुत मज़ेदार खाना था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बिरयानी मंगवाया, चिकन बिरयानी, उसके बाद डिज़र्ट भी मैंने इसी प्लेट में मंगवा लिया, जिसमें था गाजर का हलवा, फिरनी, और उसके साथ रायता, पापड़, सलाद। आह, बहुत मज़ा आया खाना खा के। तो गाइस आगे खाना वाना खा के बहुत मज़ा आया ना खाना खा के। हाँ, खाना टेस्टी था, टेस्टी था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर रीनी है, वहाँ पे अम्मी लेट गई है, यहाँ पर है असलम, तो और बाकी सब फंक्शन तो सारा ऊपर में हो रहा है, तो अभी नीचे में यहाँ पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठने के लिए आए यहाँ पे, उसके बाद अभी चाहेंगे ऊपर ही सारा, अभी लटकाएंगे सारा रश वगैरह होगा, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा तो ब्लॉग बना नहीं पा रहे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से, तो चलिए फिर अभी जो भी रश वगैरह होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा मजा आ रहा है ना बेटा, आ जाओ, आओगे? नहीं आएगा। उसके बाद फिर खाना खा के आ गए हम लोग छत पे, और यहाँ पे इनका निकाह हुआ था, उसके बाद अब इनको रेडी किया गया, माशाल्लाह रेडी करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये है इनकी तीनों बहनें, मतलब ये लोग तीन बहन हैं, तो ये सबसे छोटी है जिनकी शादी हो रही है, ये तीनों बहनें हैं। और अब यहाँ पे एंट्री हुई दूल्हे राजा की। तो आ गए हैं शादी से, वक्त हो गया है अभी 9, और ठंड मत पूछिए, आज जो ये इंसान हम लोग का पोपट किया है सबसे बहुत ज्यादा, पोपट नहीं जाने, मतलब इतना हड़बड़ मतलब जल्दी निकलो, 1 घंटे का वक्त साड़ी पहनना है, तैयार होना है, 1 घंटे का वक्त दिया, ठीक है, उसमें इतना मतलब हड़बड़ किए ना, अपना कोट निकाल के रखे, बिना कोट के बिना स्वेटर के जब चले गए तब देख रहे जा कोट, इस गुस्से में मतलब व्लॉग भी नहीं बनाए जाते वक्त, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाए। और फिर जब रात हुई तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तब बगल की भाभी थी तो वो हमको स्वेटर दी, तो वो स्वेटर पहन के तब हम आए, क्योंकि हम भूल के चले गए थे स्वेटर लेके जाना। और रीनी तो अपना झुमका ही रीनी का झुमका ही वो भूल के चली गई थी, सारा मेकअप कर ली, कान का इयर रिंग्स उसका रखा सबके साथ
उल्टा उल्टा, मतलब कल मेहंदी के फंक्शन में अच्छे से तैयार होकर चले गए और शादी का अच्छे से और अच्छे से सोच के रखे थे, तो वो जस्ट अपोजिट हो गया। हम तो हिजाब भी नहीं बांधे, ऐसे ही रखे, जल्दी जल्दी चले गए। सिर्फ इंसान के कारण इतना हड़बड़ हड़बड़, सच में कितना करो रीनी, तो इतना गुस्सा कर रही थी ना। हाँ सर अभी बैठ के सच में, तो चले अभी हो गई काफ़ी रात, हो गई थी हम दोनों की लड़ाई, पर अभी सुलह हुआ नहीं है, ठीक है ना। गुस्सा तो अभी हमको भी है, रीनी को भी बहुत ज़्यादा आपसे। चले फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह, तो जो छोटा मोटा बना आई होप अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो कल सुबह मिलते हैं आप लोग। कुछ नहीं जी। क्या बोली आपकी स्ट्रेंथ? गुलाब के बदले गेंदा फूल क्यों दे दिए, वो भी मिट्टी के साथ? वो ब्लॉग में जो देखी थी, सही तो बोली। बोले वो भी हमको याद नहीं था। नहीं हम तो बोले हम तो सूरजमुखी फूल भी दिए। सूरजमुखी, हाँ एक बार सूरजमुखी। हाँ आपको याद आया, आसू ना ऐसा सा फ्लावर दिए सच में, सूरजमुखी दिए थे एक बार, और शायद पहला फूल आप हमको दिए ना सूरजमुखी। नहीं दूसरा फूल था। अरे हाँ पहला फूल था वो बता दे, आप लोग सोचेंगे रोज होगा, नहीं वो तो अड़ूल फूल, ठीक है। हम लोग सारे बच्चे लोग उसमें शादी को कुछ दिन एक सप्ताह हुआ होगा, तो सारे कज़न लोग सब वहीं पूर्णिया में ही थे, उसके साथ हम लोग मिलकर गए थे काजा कोटी, पूर्णिया का एक पार्क है वहाँ पे, उसके आस वहाँ पे बड़ा सा एक पेड़ था, वहाँ से तोड़े थे सूरजमुखी फूल, फिर वो दिए थे, याद है? हाँ तो यहाँ फोटो मेंशन कर देंगे, तो वो दिए थे और सेकेंड टाइम फिर दिए थे। अब आप बताइए स्टोरी। सूरजमुखी फूल दिए थे सेकेंड टाइम, सूरजमुखी फूल दिए थे दूसरे के खेत से चुरा करके, असलम भी साथ गए। आप और असलम गए थे ना? हाँ ये लोग जा रहे थे बाजी के घर पे मिलने के लिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टोरी भी बताई थी हमको, कुछ बैल वैल आई थी ना, ऐसा कुछ हुआ था ना? नहीं कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर नहीं उसे उतना याद नहीं है क्या हुआ था, लेकिन हाँ दूसरे के खेत से छुड़ाए थे। जैसे ये कैमरा पे है ना, ये रियल भी सब नहीं है। कैमरा पे लगते ना ओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। कैमरा सा इंसान है ये। क्या हुआ था ना कि गए थे, ठीक है, असलम और ये दोनों मिलके बाजी से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। ये लोग रोके वहाँ पे बाइक, वहाँ पे सूरजमुखी का फूल दिखा, फिर असलम को बोले तुम खड़े रहना, हम जल्दी से एक चोरी कर लेते, ये चोरी किए फिर लेके आए थे और दिए थे, और फिर हमको इसका मीनिंग भी समझाए थे। मैं बोले सनफ्लावर कौन लेके आता है यार, तो चलो तू बताए थे, जैसे इनका नाम अशफाक है, सोए हुए इनका अशफाक है, तो अशफाक का नाम होता है उगता हुआ सूरज, तो ठीक है, तो सन हो गया वो, और फ्लावर तो डेजी, डेजी मतलब फ्लावर, तो सन फ्लावर दोनों को ऐड किया, डिफाइन किया, तो हमको दिए थे वो वाला सन फ्लावर। तो ये बड़े छुपे रिश्ते में, तो सेकेंड मतलब क्या होता है, पहला फूल मिला तो अड़हुल का फूल मिला, दूसरा फूल मिला तो सूरजमुखी मिला, तो किसी को ऐसा मिला था क्या? तो इनका कुछ एकदम डिफरेंट था। चलिए फिर बहुत रात हो गई, अब चलिए सोते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल। जावेन जा रहा है नन्ना के घर बेटू, अब जाएंगे वहीं, मिलेंगे वहाँ खड़े ओ खड़े। हाँ ना बेटा प्लीज यार, नहीं नहीं ना ठीक है ठीक है, जाओ अल्लाह हाफिज़ बेटा, जावेन दा। तो जावेन चला गया, अब गया है वो लगभग बोलिए 10 दिन, तो 10 दिन जावेन के बिना रहना है, घर बिल्कुल खाली खाली, तो अभी वो गया है, अब 10 दिन के बाद ही आएगा, सबसे ज़्यादा तो मिस करेंगे उसको आंसू। और अब मतलब बस स्टैंड में वो पहले से जाके खड़े हैं वहाँ पे, सेंटर से आज वो चले गए वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए। जब भी वो जाता है ना घर एकदम सुना सुना हो जाता है, सच में अच्छा नहीं लगता है, हम खाली खाली बोलिए 10 दिन में आएंगे, अब देखिए फिर। चलिए फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं।